नमस्कार, मैं किरण अग्रवाल प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश से आज आपको अपनी एक रचना साझा कर रही हूँ जिसका शीर्षक है अहोई अष्टमी। अहोई अष्टमी को की कथा में एक सेठ जी से थानी दे, उनके साथ बेटे बहू थे, एक बेटी थी। वो लोग गई सब कोई खंदे माटी खोदने गई। वहाँ उससे खोद रही थी तो बेटी से स्याऊ माता के बच्चे मर गए तो उससे उसने कहा कोख बांधवा उसकी साऊ माता ने। तो वो अपनी सभी भाभियों से कहने लगी कि अगर मैं कोख बंधवाऊँगी तो ससुराल में बहुत दिक्कत होगी, तो आप लोग मेरे बदले सो कोख बंधवा लो। किसी ने नहीं बंधवाया। छोटी वाली भाभी डर से कि सास गुस्सा होएगी, उसने अपनी कोख बंधवा ली। हर बार होली अष्टमी के दिन उसके बेटे होते थे और मर जाते थे। इस तरह से वो बहुत परेशान थी। फिर किसी ने कहा कि तुम सुरही गाय की सेवा करो, तो उसने गाय की सेवा करने शुरू कर दी। तो सुरही गाय बोली कि स्याऊ माँ कि तुम मेरी क्यों सेवा कर रही हो, ऐसा क्या है? बोली मेरे से गलती हुई है और मेरी नंद से गलती हुई और मैंने अपनी कोख बंधवा ली है, आप इसको बताओ। तो बोले मैं नहीं, तुम्हारे ऊपर सुरही गाय स्याऊ माथा नाराज है, तुम सात समुंदर रहती है। तो गाय वो सुरही गाय उसकी बहू को लेकर चली गई। वहाँ जाने के बाद में रास्ते में उसको एक पेड़ आया, पेड़ के नीचे बैठ गई तो गरुड़ पंखनी आई और उसने ऊपर गरुड़ पंखनी के बच्चे थे, तो नीचे से एक पेड़ से सांप निकला और गरुड़ पंखनी के बच्चों को खाने लगा। तो साहूकारनी ने उसको बचाया और ढाल के नीचे ढक दिया। तो गरुड़ आया और वो चोंच मारने लगा। तो बोले भाई तुम मुझे चोंच क्यों मार रहे हो, मैंने तो तुम्हारे बच्चों को जीवन दान दिया, तुम्हारा बैरी तो ये ढाल के नीचे मरा पड़ा है। तो बोला कि कुछ तुम मेरे से मांगो वचन। तो बोले वचन दो। उसने वचन दिया, बोले मुझे सात समुंदर पार पहुँचा दो। उसने दोनों को सात समुंदर पार पहुँचा दिया। वहाँ पहुँचे तो जब वहाँ स्याऊ माता के घर पहुँचे तो बोले आओ भाई, बहुत बहुत नाखुश हुई सुरही गाय को देख के। तो बोले तेरे साथ कौन है? तो बोले बस मेरी एक सहेली है, इसको लेके आई। बोले मेरे सिर में बहुत जूं हो गई तो निकाल दो। तो बोले मैं क्या निकालूंगी, ये निकाल दूंगी। तो साहूकारनी की बहू उसको खूब बढ़िया से जूं निकाल देती है, तो वो उसको बहुत आशीर्वाद देती है। बोले तुमने तो मेरे सिर में ठंडक डाल दी है, तो अब मैं मुझे तो मांगो मेरे से क्या मांगती हो। बोले पहले वचन दो तो मांगूंगी। तो बोले कि नहीं तुम मांगो। तो बोले नहीं वचन दो तभी मांगूंगी। तो उसने वचन दिया कि तो वचन दिया तब इसने कहा कि मेरी कुख आपके पास बंधी हुई है, आप मेरी कुख खोल दो। तो बोली तुम तो मुझे बहुत ठगी, लेकिन हमने आशीर्वाद दिया है इसलिए। तो उसने उसको आशीर्वाद दिया। वो वापस आती है और उसके सभी बच्चे जीवित हो जाते हैं। तो उसके घर में सबको ही बोलते हैं अब सुध रोई रोएगी, लेकिन जब ऊपर जाते हैं तो देखते हैं कि वो तो सब जगह होली अष्टमी मंडी हुई है, घर में खूब उद्यापन चल रहे हैं। फिर उसकी सास आई, बोली ये कैसे हुआ? तब उसने उसको सारी बात बताई कि मैं छोटी थी और किसी जिठानियों ने नहीं बंधवाई कोख, और ननद के पीछे मैंने अपनी कोख बंधवा ली, और आज चौथ अहोई अष्टमी के आशीर्वाद से मेरी कोख खुली है। खूब उसको आशीर्वाद देती है, खूब उद्यापन करती है और सब गांव में हल्ला फुरवाती है कि भाई जो भी बेटे की माँ है अहोई का व्रत करे और गाय की बच्चे की पूजा करे, और अहोई माता ने जितना आशीर्वाद उसको दिया वो सबको दिए। कहते को सुनते को कार्य भरते को धन्यवाद।